welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please और ये हम लोग जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट मंदिर की तरफ। किधर जाना है? इधर ही है। थैंक यू। पहले पहुंच चुके हैं यहाँ से। और ये मणिकर्णिका घाट हमारे रंजन भाई आज बहुत स्लो चल रहे हैं, लग रहा है इनका जो है पेट खाली हो गया है। आए कहा? और ये जो मंदिर में दिखने वाला हो ना आप लोगों को, यार अगर आप बनारस आए हो और आपने ये मंदिर नहीं देखा तो समझ लो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी आप लोगों ने। ये मंदिर अपने आप में जो है ना यार एकदम यूनिक है, और मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न है कि जो है अभी तक इसका नाम जो है इस मंदिर का किसी भी रिकॉर्ड बुक में नहीं दर्ज है। यार ये मंदिर अपने आप में बहुत मतलब थोड़ी अलग पहचान रखता है। और ये हमें विधायक जी जो है यहाँ बाढ़ आती है ना तब पानी आता है। ये एक छोटा सा तालाब है, कुंड है, मणिकर्णिका घाट पे वो देखो लिखा होगा ऊपर मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे छोटा सा कुंड है, यहाँ पे ना जब बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है और फिर बाद में जो है नहा सकते हैं। अरे ये तो एकदम पूरा डूब गया है। यार मुझे आइडिया नहीं था कि माँ जो है ये मंदिर पूरा डूब चुका है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और काफ़ी पुराना है। उसके इतिहास में जो है अपनी वीडियो में बाद में जो है जब एडिट करूँगा तो बता दूँगा। यार कुछ आप लोगों ने भी डिस्कस क्या अलग क्या है पता नहीं, आप लोग देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, ये मंदिर एक तरफ झुका हुआ है ऐसे। मंदिर का दरवाजा तक डूब चुका है, उसका मुख्य द्वार वो भी पानी में डूब चुका है। ये मंदिर झुका हुआ है एक साइड। और ये हमारे रंजन भाई विधायक जी दोनों बोलते हैं यहाँ से शायद आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा। ये एक तरफ से झुका हुआ है। इसकी स्टोरी जो थी मैंने क्लास थर्ड में जो है पढ़ी थी, एक स्टोरी एक निबंध या किसी की किसी का लेटर होता था उसमें पढ़ाया जाता था मेरी बनारस यात्रा। उसमें जो है एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, यूपी गवर्नमेंट की जो बुक आती थी क्लास थर्ड की उसमें एक
उसमें एक चैप्टर था मेरी बनारस यात्रा, उसमें मैंने इसका जिक्र पढ़ा था कि एक मंदिर था जो 9 डिग्री, मतलब उसमें एक तरफ का हुआ था 9 डिग्री, तो मुझे बाद में पता चला था। तो तब से ही एक्साइटमेंट थी। और मैं एक बार बनारस आया, मैंने ढूंढा, तो होता है ना कि अगर आप लोकल ना हो और आपके पास टाइम की कमी हो तो आप जो है किसी जगह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यार देखो इसका जो मतलब इसका जो आर्ट स्ट्रक्चर है ना यार, मतलब जो कलाकारी दिखाई गई है इस मंदिर में, और एक बार कलाकारी देखो इसके पीछे की, काफ़ी मतलब यार सॉलिड, एकदम स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है इसका, बारीक बारीक कलाकारी जो है। ये मंदिर डूब गया है आधा से ज़्यादा नीचे, इसका जो मेन दरवाज़ा है ना वो भी पानी के नीचे फंसा गया है। और भाई अभी हमसे बिट्टन डॉन मिले थे, एक्चुअली वो हॉर्स राइडिंग करा रहा है, छोटा बच्चा है बट बड़ा ज़बरदस्त लड़का था। मैं उसकी एक क्लिप डालूँगा अभी, या मैंने शायद डाल दी होगी। और यार कुछ भी कहो यार, शाम बड़ी ज़बरदस्त है, कुछ ज़्यादा ही। बनारस की शाम, आप सभी के नाम। और यार अभी गंगा आरती होने वाली है, मैं बता रहा हूँ यार डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ गंगा आरती की बात ही निराली है एकदम।